हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टीम यू थिंक विद बीबो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा या बाटी चोखा। तो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, ये बिहार की स्पेशल डिश है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चोखा बनाना है और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बैंगन ले लिए हैं, 3 टमाटर, 3 उबले हुए आलू और 3 हरी मिर्च और 7-8 लहसुन छील करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने बैंगन को ऐसे बीच से 2 भागों में काट लिया है, आपको भी ऐसे ही काटना है। अब यहाँ पे कुछ भी आपके पास फोक है, स्पून है, किसी भी इसे इसमें बैंगन में ऐसे छेद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से छेद कर दे रही हूँ। अब इसमें जो हमने मिर्च रखी है ना, मिर्च वो इस तरीके से इसमें अंदर ऐसे घोंच देंगे और जो लहसुन वगैरह रखा है ना, वो भी लहसुन और मिर्च को इसी तरीके से इसमें ऐसे छेद छेद करके ये सब ऐसे ही इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, इससे हमारा जो है बैंगन, तो हम बैंगन को डायरेक्ट फ्लेम पे, आग पे सेकेंगे, गैस फ्लेम पे, तो उसके साथ साथ ना हमारा लहसुन और जो ये मिर्च है ये भी अच्छे से भुन जाएगा। तो ऐसे भूनने पे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मतलब अलग से हमें भूनना नहीं पड़ेगा और बढ़िया से अच्छे से भुन जाएगा बैंगन के साथ ही। तो इसीलिए इसी तरीके से हम दोनों बैंगन जो बचे उसमें भी इसी तरीके से छेद कर करके हम मिर्च और लहसुन को ऐसे ही इसमें लगा देंगे। तो हम इसको फिर भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रख दिया है जिस पे मैं डायरेक्ट नहीं रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड रख दिया और इसी पे मैं बैंगन को रख के अलट पलट करके हर साइड से इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जो आग पे भुनता है ना बैगन, उसका जो चोखा बनता है ना, उसकी टेस्ट ही बहुत मतलब अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप भूंजेंगे और इस तरीके से चोखा बनाएंगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बैगन अच्छे से भुंज गए हैं। अब इसको हम निकाल करके एक साइड में रख देंगे। अब हम जो है जो टोमेटोस रखे थे, टमाटर रखे थे, अब उसको भी भून लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने अभी बैगन को भूंजा है, सेम इसी तरीके से इसको भी अलट पलट के अच्छे से फ्लेम पे भूंज लेंगे। अच्छा, फ्लेम इस समय ना आपको एकदम स्लो रखनी है, तो ये अच्छे से अंदर तक भुन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी भुंज गए हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे छील करके ले लिया है। जो बैगन का ऊपर वाला डंठल होता है ना, इसको भी आपको जैसे एक ऐसे थोड़ा सा दबा कर इसको निकाल लेना है कि इससे पूरा जो इसका अंदर का पल्प है निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से निकाल दिया। जो मैंने आलू ले रखे थे उबले हुए, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दबा कर इसमें ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने जो धनिया पत्ती मैंने कुछ काट रखी थी 2 टेबल स्पून, तो उसको भी इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ती से चोखे का बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हमने इसमें जो है सरसों का तेल डालना है 2 टेबल स्पून। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो है सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक आप डालिए। जितना आपको कम या ज़्यादा खाना है आप कम भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हाथ से मैस कर लेंगे। आप चाहें तो मैसर से भी मैस कर सकते हैं, तो यहाँ मैं हाथ का यूज़ करके अच्छे से इसको मैस कर लूँगी। जितने भी लहसुन मिर्ची वगैरह थे सब इसको अच्छे से हाथ से इसको मैस कर देंगे। और बहुत मतलब ये चोखा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जो आप बॉईल करके बनाएंगे ब्रिंजल वगैरह को, बैगन वगैरह को, उससे ज़्यादा टेस्टी ये जो आग पे पका के बनाते हैं ना, उस वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने चोखा अच्छे से इसको मसल लिया है, पूरा अच्छे से तैयार हो गया है ये। इसमें जो भी लहसुन वहसुन थोड़ा सा खड़े बचे हैं उसको भी आप ऐसे मसल के इसको पूरा अच्छे से बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट है, चोखा एकदम तैयार है। तो अब चलते हैं हम जो है बाटी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने बाटी बनाने के लिए लगभग 1/2 kg आटा ले लिया है, गेहूं का आटा ले लिया है। कटोरी से कहें तो 2.5 कटोरी या 3 कटोरी मान लीजिए। अब इसको जो है ना कैसे खस्ता मतलब बाटी बनती है ना, वो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इससे मतलब आप इस ट्रिक से अच्छे से खस्ता बाटी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून सबसे पहले तो अजवाइन डाल दिया है, उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अगर आप मेरी इस मेथड से बाटी बनाते हैं तो वाकई बाटी बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून हम ऑयल मिलाएंगे। कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आप, अगर आप मस्टर्ड ऑयल डालना चाहें या नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डालना चाहें, कोई भी तेल डाल सकते हैं। और इसी ऑयल के साथ साथ यहाँ पे हम जो है लगभग 1 कप पानी डाल देंगे। और पानी और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। यही एक टेक्निक होती है जिससे आपकी जो बाटी है बहुत कुरकुरी बनेगी। तो इसको मिक्स करने के बाद आप यहाँ गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से जो है गूंथ लेंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। इसका हार्ड सा ही डो लगाना है, ज़्यादा वैसे नहीं जैसे रोटी का या पूड़ी का डो लगाते हैं ना, उसी तरीके से आपको उसी तरीके का आटा लगाना है आपको। तो इसको यहाँ पर हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसको जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम।
लगभग 20 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक करके एक साइड में। तो चलिए अब जो है बाटी में जो फिलिंग होती है ना उसको तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी सत्तू ले लिया है, लगभग 200 ग्राम के आसपास सत्तू है। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो नॉर्मल आप जो चने की दाल होती है उसको भूंज करके उसको पीस लेंगे तो वो भी सत्तू की तरह ही बनता है, अगर अवेलेबल नहीं। वैसे हर जगह मिल जाता है। यहाँ पे मैंने एक प्याज काट के डाल दिया है, 2-3 टेबल स्पून मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है, और 7-8 मैंने यहाँ पे लहसुन जो है काट के रखे थे वो छोटे महीन महीन वो डाल दिया है, कलौंजी डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, अजवाइन वगैरह डाल दिया है। तो सब मैंने मतलब यहाँ पे डाल दिया है, और थोड़ा सा अचार का मसाला भी मैं इसमें डालूंगी आगे। पहले नमक डाल देते हैं, यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ आटे में भी नमक डाला था इसलिए मैं इसमें नमक कम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है 2 टेबल स्पून लगभग मस्टर्ड ऑयल मिला देंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप जो है चाहे तो इसमें नींबू ज़रूर मतलब डालना ही डालना, अच्छा लगता है। और अचार का जो मसाला मैं डालने की बात करी वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इतना जो अभी इसमें इंग्रेडिएंट हमने डाला है इतना सफिशियंट है फिलिंग के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है ना इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून अचार का मसाला मिला दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा ना पानी डाल करके मिक्स करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होता है ना कि ये मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, भरने में आसानी होगी, इस वजह से मैं थोड़ा और इसको भुरभुरा सा बनाना है। ये यहाँ पे हमने इस तरह से होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ऐसे मुट्ठी बांधो ना तो ये बंधने लगता है, तो इसे फिलिंग करने में उसको बाटी में भरने में इसको आसानी रहेगी, इसलिए इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फिलिंग तैयार है। तो अब चलते हैं बाटी को आटे को भी 20 मिनट हो गया लगभग रेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे जो रोटी बनाने के लिए जितना हमने लोई लेते हैं ना उतनी बड़ी लोई ले लेनी है, और इस तरीके से इसको कटोरी के शेप में बना करके इसमें लगभग 1 बड़े चम्मच आपको जो है फिलिंग जो आपने सत्तू की बना के रखी है वो इसको दबा दबा के ऐसे ही भर देना है। और जैसे सब पराठे बनाते हैं फिर जैसे आलू का पराठा या कुछ भी जैसे भर के बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको करना है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भर लिया है और भर के इस तरीके से हमने गोल कर लिया। तो यहाँ पे ये बाटी तैयार हो गई। इसी तरीके से ना और जितनी भी बाटियाँ हैं हम सब एक एक करके इसी तरीके से फिल कर लेंगे, सब भर लेंगे इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से बाटी बना के देखिएगा तो आपको बहुत मतलब टेस्टी लगेगी। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हम बाटी ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे बाटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बाटी को यहाँ पे रोस्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना देंगे। अब इसके लिए यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए यहाँ पे एक बर्तन रख दिया, कोई भी बर्तन आप रख दीजिए। इसमें मैंने नमक नीचे फैला दिया, इससे बर्तन जलेगा नहीं। और यहाँ पे स्टैंड जो था ना, जो स्टैंड मैंने यूज़ किया था वहाँ पे उसको वो करने के लिए सब बैगन वैगन सब भूनने के लिए, वही स्टैंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक ये जैसे बर्तन था मेरे पास जिसमें चेन सा है, तो इस तरीके की कोई थाली हो आपके पास या कुछ भी हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी बाटियों को रख देना। हाँ एक चीज़ और, सबसे पहले तो इस बर्तन को ना अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, वरना बाटी जो है ना आपकी चिपक जाएगी। ऑयल से ग्रीस करने से क्या होगा कि बाटी आपकी इसमें चिपकेगी नहीं, लगेगी नहीं। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे रख के ढक करके इसको 20 मिनट तक पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपको इसको खोल करके चेक करते रहना और इसे हर तरफ से अच्छे से पलट पलट के पका लेना। तो यहाँ 20 मिनट हो गए हैं, मेरी बाटी अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ पे बाटी का फटना ये दिखाता है कि बाटी आपकी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे आप इस बाटी को दूसरे बर्तन में अब हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इसको आप या तो अगर आप ऑयल नहीं खाना चाहते हैं, घी नहीं खाना चाहते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चोखे के साथ, अच्छी लगती है, घी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घी पसंद है आपको तो इसको घी में डिप करके फिर चोखे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको किसी भी तरीके से जो भी तरीका आपको पसंद है आप खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यहाँ पे मेरी बाटी तैयार है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि मैं और भी अच्छी वीडियोस लाऊं। थैंक्स।